हेलो फ्रेंड, पेटीएम का नया बिजी ऐप का वर्जन 5.2.5 हो गया है लॉन्च। इसमें क्या नया खास देखने को मिला, क्या चीज़ें बदलाव आई और क्या क्या हमें अच्छी चीज़ें देखने मिली, इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप पेटीएम के बिजी एजेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को मैंने स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। फिलहाल अभी अब अगर आप पेटीएम बीसी ऐप आपका ओल्ड वर्जन भी है तो आपको एक नोटिफिकेशन गिरा होगा पेटीएम बीसी ऐप जिसमें लिखा होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2FA इन APS सेक्शन। अब आप बोलोगे 2FA क्या होता है, 2 मतलब 2FA फॉर फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये एक स्पेशली सिक्योरिटी होता है कि एक सिक्योर और आपके अकाउंट पे लग जाए। अब ये कहां काम करेगा स्पेशली इसके आगे हम पढ़ के बताएं कि इस मैसेज का मतलब क्या, फिर हम आगे वीडियो में इस वर्जन के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे इस वर्जन लिखा गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2FA इन APS सेक्शन, डियर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी जो हम है, दिस इज इन्फॉर्म यू डेट एज पर द रेगुलेटरी डायरेक्शन पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड यानी PPBL हैड इम्प्लीमेंट बायो ऑथ वैलिडेशन फ्रॉम लॉगिन इन APS सेक्शन वेल द बीसी एप वेब रेमिटेंस पोर्टल। इनका सिंपल सी मतलब है कि अगर आप अपने मोबाइल फोन पे या फिर वेब पोर्टल जो partnerpaytm.com पे, अगर आप APS पोर्टल पे जाते हो, मोबाइल फोन पे जाते हो तो, या फिर वेब पोर्टल इसके जो partnerpaytm.com है वहां पर भी APS सेक्शन पे जाते हो, तो आपको दिन में कम से कम फर्स्ट टाइम यानी एक बार आपको फिंगर से जो एजेंट उसको ऑथेंटिकेट करना होगा। जिन्हें यहाँ पेटीएम द्वारा कहा गया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA। अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें क्या इनके कहने के बाद है, डिमोटेड ऑन डेली वाइल नेविगेट APS सेक्शन फॉर मोर इन्फो प्लीज कॉन्टेक्ट विथ योर PPBL रिप्रेजेंटेटिव और रीच आउट द बीसी हेल्प डेस्क नंबर। अपने एफएस की बात करो, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो। अब यहाँ पे कैसे दिखेगा, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के बीसी ऐप को, पेटीएम बीसी ऐप को 5.2.5 लेटेस्ट वर्जन से अपडेट करना होगा। आपको मालूम है पेटीएम का एक यूनिवर्सल लिंक है जो मेरे टेलीग्राम में दे रखा है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में कोशिश करो देने की, जहां से आपको कोई भी वर्जन अपडेट आएगा उसी लिंक पे, एक सिंगल लिंक पे आएगा। तीन डिफरेंट लिंक है, तीन लिंक पे स्टेबल न्यू ओल्ड रहता है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं मिलता तो आपने एफएससी से मांग कर सकते हो, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे नया बीसी ऐप का वर्जन। अब ऐप को ओपन करें, अपडेट जब आप कर लोगे, आप जाओ APS सेक्शन के अंदर, स्क्रॉल डाउन कर तो वहां पे आपको सिंपली यहां बोला जाएगा बीसी बायोमेट्रिक लॉगिन, जो नया ऑप्शन पे देखने को। स्पेशली इस वर्जन का अपडेट का मकसद ही यही है, प्लेस कस्टमर फिंगर जो कि यहां का बीसी फिंगर होगा, बायोमेट्रिक डिवाइस टू कंफर्म इन अकॉर्डेंस टू NPCI गाइडलाइन NPCI regulation, all BCs must perform biometric login to provide APS service. Please ensure that device connected and battery 20% ऊपर होनी चाहिए। तो ये हमारा फिंगरप्रिंट है, मैं मंत्रा इस्तेमाल कर रहा हूँ इस समय, और हम कनेक्ट करते हैं अपने मोबाइल के साथ डिवाइस को। पॉपअप आया, मंत्रा को ओके किया हमने, हमारा डिवाइस ले लिया, डिवाइस पे लाइट ब्लिंक हो चुका, हम फिंगर रखते हैं, हमारा यहाँ पे कैप्चर ले लिया गया फिंगर को, एंड यहाँ पे लिखा गया है योर बीसी बायोमेट्रिक लॉगिन फॉर टुडे इज सक्सेसफुल, यू कैन नाउ प्रोवाइड APS सर्विस टू कस्टमर। आप यहाँ पे क्यों आया, मैं इसके ऊपर अभी आगे बात करूंगा। हम कंटिन्यू APS करते हैं, जो APS का सर्विस हमारा खुल गया है। अभी बहुत ही ज़्यादा, चाहे आप PayNearby ले लो, चाहे आप अलग अलग कंपनी ले लो, फिनो ले लो, पेटीएम भी स्पेशली ले लो, इन सभी का आईडी को कोई मांग कर आपके साथ रिलेटेड अच्छा बनाकर, चाहे एयरटेल कोई सी भी की आईडी ले लो, आपके साथ कोई फ्रेंडशिप बनाकर आपसे आईडी ले लेता है, भाई मुझे कुछ KYC करनी है आईडी दे दो, KYC के नाम पे आईडी ले लेता है और कहीं कहीं शिविर लगाकर किसी भी चीज का बोलकर, लाइफ सर्टिफिकेट जमा बोलकर, कुछ भी बोलकर लोगों के फिंगर लगा के उनके अकाउंट से बैलेंस चेक चेक कर, विड्रॉ कर, धुआ कर सारे पैसा जमा कर लेता है, उसके उस पैसे को सेंड टू बैंक करके अपने अकाउंट ले लेता है। आप फिर बंदे की आईडी उसको थमा दे, भाई ये आपकी आईडी आप रख लो, उसके बाद जब कंप्लेन होता है उस बेसी को पुलिस उठाती है और कंपनी इसी चक्कर में देखा कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है किसी भी कंपनी में, सिर्फ पेटीएम ही नहीं कर रहा हूँ, हर कंपनी, पेटीएम, एयरटेल, PayNearby, फिनो, स्पाइस मनी, ऐसे कई सारी जगह जहाँ पर पिन कोड ब्लॉक कर दिया है, वहाँ पर उस सर्विस का, उस कंपनी का बंद कर दिया, PayNearby ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को से रिटेलर मैपिंग को बंद कर दिया, बहुत दिन तक रिटेलर बनना बंद हो गया था। स्पेशली बहुत सारा APS के मुकाबले में आप फ्रॉड को देखते हुए पेटीएम NPCI गाइडलाइन के तहत पेटीएम पे ऑप्शन देखने को मिला है। उम्मीद है बहुत जल्द बाकी दूसरी एप्लीकेशन भी इस चीज़ को लेकर आए और जो जेन्यून एजेंट है उनके एक बार फिंगर सुबह में, दिन में एक बार लगेगा जब भी वो APS काम करना चाहेंगे, स्पेशली APS सेक्शन को यूज़ करते वक्त। बाकी और सेक्शन वो ईजिली कर सकते, लेकिन APS के लिए स्पेशली एजेंट का फिंगर वेरिफिकेशन एक बार रिक्वायर होगा, फिर उस आईडी को वो दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे अपनी APS सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे एक लोचा है कि मैंने इस फोन में ऑथेंटिकेट किया और मेरा दूसरा फोन में पेटीएम लॉगिन है और इसमें मैं APS पे अगर क्लिक करके मैं जा रहा हूँ, जबकि मैंने इस पर नहीं किया है, तो इस पर APS नॉर्मली खुल जा रहा है,
यानी आईडी वाले के यहाँ पर डिवाइस पे पहुंचे, एक डिवाइस पे दिन में एक बार फिंगर लगा, उसी डिवाइस पे वक्त दूसरे डिवाइस पे फिर वो लॉग इन करे तो वहां फिंगर मांगे जिसपे उसने नहीं किया है। तो ये सिक्योरिटी होनी चाहिए, बाद में जो अपडेट देखने को मिलेगा, बट फिलहाल ये अच्छी चीज है एपीएस के मुकाबले लोगों के साथ हो रहे फ्रॉड के लिए और बहुत सारे एजेंट कैरियर लेके फ्रॉड के लिए एक बेहतर चीज है उसकी सुरक्षा के लिए। बाकी पेटीएम केवाईसी रेट अगर आप इंतजार में हो तो अब जो सितंबर में 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का लास्ट डेट है वो खत्म होने के बाद ही कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाया था नया केवाईसी बनने के और आरबीआई इसे इशू करने के लिए जारी करने फिर से कहा जाएगा, लेकिन आरबीआई का पूरा ध्यान अभी 2000 नोट को वापस लेने में, तो बाकी सब चीजों को उसने अभी पोस्टपोन्ड कर दिया है। इसी कारण पेटीएम का भी हमें केवाईसी होल्ड देखने को मिल रहा है, लंबे समय तक देखने मिले, लेकिन जब भी चालू होगा सबसे पहले इसी चैनल देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको छोटा काम करना हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर लाइक कर रहा हो। जो बीसीस को पेटीएम रेफरल का पैसा नहीं मिल रहा है, रेफर तो कर रहे बंदे को लेकिन पैसा उसका रेफरल नहीं आ रहा है किसी बैंक को लिंक करके, वो ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जिसमें मैंने रेफरल का फुल प्रोसेस कंप्लीट पैसा कैसे आए हर रेफरल 100 रुपए मैं बताया हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।